हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं असिम्प्टोट्स का। तो सबसे पहले असिम्प्टोट्स होता क्या है उसकी डिफाइन करेंगे, उसके बाद कितने तरह के असिम्प्टोट्स होते हैं और किस तरह से असिम्प्टोट्स को निकाला जाता है, कर्व के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक कर्व को लेकर चलें, कर्व है हमारे पास सपोज हमने जो एग्जाम्पल लिया वो इस तरह की कर्व का लिया। दिस इज द हाइपरबोला 1 by x, fx is equal to 1 by x की शेप है। तो ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट जो हमने बनाया रफ सा ग्राफ, दैट इज fx is equal to 1 by x का ग्राफ, हाइपरबोला की शेप है ये, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोला जाता है। तो अब और एक और एग्जांपल ये हमने सर्कल का, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल लेके चलते हैं ओरिजिन सेंटर हो, जिसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास अगर इस एग्जांपल में देखें, ये जो है हमारे पास सर्कल, दैट इज इन फाइनाइट ब्रांचेस ऑफ द कर्व आएंगे, फाइनाइट ब्रांचेस ऑफ द कर्व, कि हमारे पास x और y की वैल्यूज जो होंगी, कि कर्व जो है पहले तो दिख रहा है कि क्लोज्ड है हमारे पास, y की एक ब्रांच है हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी ब्रांच है माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो ब्रांचेस कर्व की जा रही है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेकंड इज माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो ब्रांचेस, टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व आर देयर, और दोनों के दोनों जो है वो फाइनाइट रीजन में है, क्योंकि हमारे पास रियल x की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन और वन के बीच में रहेगी और y की वैल्यू जो कोरस्पॉन्डिंग आएगी वो भी वन और माइनस वन के बीच में, तो फाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर भी दो ब्रांचेस चल रही है हमारे पास, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में, और यहाँ पर हमारे पास कि जैसे ही x इंफिनिटी को टेंड, x जीरो को टेंड कर रहा है, y जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x अगर 0 को टेंड करेगा तो y इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो इनफाइनाइट ब्रांच हमारे पास आ रही है कि x जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा y जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें जब हमने देखा कि सिंपल कि x जैसे ही डिक्रीज हो रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो y की जो कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी वो इंफिनिटी की तरफ आएंगी, x टेंडिंग टू 0 देन y टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो y की जो वैल्यूज आएंगी, तो यहां से जब हम ग्राफ निकालेंगे x की वैल्यूज, जब भी कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, वो इस तरह का ग्राफ लेती हुआ आएगी। अब असिम्प्टोट्स इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ द कर्व, असिम्प्टोट्स जो होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व के एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट ब्रांच। असिम्प्टोट्स की अगर डेफिनेशन दी जाए, असिम्प्टोट्स इज सबसे पहले है क्या, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, असिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ए कर्व इनफाइनेबल, असिम्प्टोट्स ऑफ एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व भी कह सकते हैं असिम्प्टोट्स, क्योंकि इनफाइनाइट ब्रांचेस के ही हमारे पास असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे, फाइनाइट ब्रांचेस के असिम्प्टोट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। असिम्प्टोट ऑफ ए कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, दूसरा विच इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड इट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड थर्ड विच मीट्स द कर्व, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए विच मीट्स द कर्व एट इंफिनिटी, कि जो कर्व को मीट कर रही है इंफिनिटी के ऊपर, या यूं भी कह देंगे विच मूव्स पैरेलल टू द कर्व, पैरेलल टू द कर्व इफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट ब्रांच है हमारे पास, ये तो हमने कहा ही सी कि अगर पॉइंट हमारे पास इंफिनिटी को तरफ अप्रोच करना है, कि सपोज ये जो जा रहा था हमारे पास, दिस इज द कि पॉइंट जो है वो इंफिनिटी की तरफ है, ये हमारी पैराबोला की हाइपरबोला हमारे पास जो बनाया हमने, सो दिस इज हाइपरबोला। तो अब कोई भी पॉइंट इंफिनिटी की तरफ ले जाएं, अगर ऊपर लेते जाएं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वाई एक्सिस हमारे पास, दिस मूव्स विद वाई एक्सिस। अब ये जो कर्व बने थे हमारे पास इस तरह से बन रही है, तो एक तो एक्स एक्सिस अगर इनफाइनाइट ब्रांच की तरफ जाए, यहां जब इंफिनिटी की तरफ जाए, एक्स को अगर इंफिनिटी की तरफ ले जाए, तो ये जो लाइन है
ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस जो दिख रही है तुम्हें, दैट मूव्स पैरेलल टू द कर्व, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी जैसे जैसे हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस को अगर हम देखें, वाई एक्सिस को, तो ये जो कर्व आएगी जैसे ही हम वाई को इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे, वाई को इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे, फिर से ये जो कर्व है वो वाई एक्सिस को के पैरेलल होने शुरू हो जाएगी। तो दो सिम्प्टोट एक्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और सिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कि वाई एक्सिस खुद ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, तो वाई एक्सिस का वाई ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका खुद ही ओरिजिन से पास करते हुए तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन एग्जाम्पल दिया आप सिम्प्टोट्स का, कि ये हमारे पास सिम्प्टोट है और ऐसी ये लाइन जो है वो पैरेलल चलनी शुरू होगी। तो जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो स्ट्रेट लाइन बिकम्स, तो ये स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व के पैरेलल मूव कर रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन से, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो ये दिस डिस्टेंस, कि ये जो डिस्टेंस आने वाला है, दिस डिस्टेंस, दिस इज फाइनाइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया दैट इज ए फाइनाइट नंबर, एंड विच मूव्स द कर्व, विच मूव्स पैरेलल टू द कर्व व्हेन द पॉइंट्स ऑन द कर्व टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है वो इन्फिनिटी की तरफ ले जाए, तो ये जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पैरेलल नहीं है, बट पॉइंट्स जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट्स जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी कर्व के साथ ही। या फिर यूं कह सकते हैं विच मीट्स द कर्व एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर कैसे दो पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन को कब मीटिंग करते हैं, पैरेलल लाइन्स ऑलवेज मीट एट द पॉइंट इन्फिनिटी। तो ये मूव कर रही है कर्व के साथ साथ स्ट्रेट लाइन, या फिर ये कह सकते हैं कर्व मीट कर रही है इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी पर कर्व को, तो एक ही बात है। तो असिम्प्टोट्स की डेफिनेशन क्या बनी, असिम्प्टोट्स इज ए स्ट्रेट लाइन, तो असिम्प्टोट्स स्ट्रेट लाइन है सबसे पहले, विच इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, and which meets the curve at infinity, या फिर यूं कह दें the points on the curve meets the straight line at infinity, या फिर which moves parallel to the curve, which moves parallel to the curve when points tends to infinity, जब पॉइंट्स जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो कर्व जो है वो पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी स्ट्रेट लाइन के। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द असिम्प्टोट। नेक्स्ट अब हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट्स है हमारे पास। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, कि पहला जो है वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा, दूसरा जो है वो वर्टिकल असिम्प्टोट, और तीसरा जो है वो ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो तीन तरह के असिम्प्टोट हमारे पास हैं, पहला हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, दूसरा वर्टिकल असिम्प्टोट, तीसरा ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मींस, जो नाम से ही पता चल रहा है, असिम्प्टोट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से वर्टिकल असिम्प्टोट, असिम्प्टोट्स पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन, दैट इज असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। और तीसरा ऑब्लिक असिम्प्टोट, यानी कि ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस असिम्प्टोट को बोला जाता है वर्टिकल ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो अब हमारे पास तीनों तरह के असिम्प्टोट्स, जैसे ग्राफ से ड्रॉ करें, एक हमारे पास ऐसा असिम्प्टोट कि कर्व जो है वो पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी किसके, एक्स एक्सिस के, जब कर्व इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो एक्स एक्सिस पैरेलल दिखेगी उसके, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन हमारे पास होगी तो उसको बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर हम ड्रॉ करें, सो ये हमने हमारे पास मान लो ये लाइन है, तो दिस इज द लाइन, दिस इज नॉट प्रॉपर शेप, ये हम लेके चल रहे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हमारी जो कर्व की शेप है वो इस तरह से जा रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो आएगी, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर जो जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां तो क्लियर फिगर नहीं आई, बट ये अगर ये एक्स एक्सिस है तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है जो कर्व के साथ साथ पैरेलल मूव कर रही है, व्हेन द पॉइंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कर्व के पॉइंट्स है एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये हमारे पास पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी किसके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज स्ट्रेट लाइन इज असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देगी। इसी तरह से हमारे पास असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मीनिंग होगा कि कोई भी पैरेलल टू वाई एक्सिस, इनकी वाई एक्सिस खुद भी हो सकती है और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मूव कर रही है। ये एग्जांपल लिया हमने कि कर्व की जो शेप है, जो कर्व की शेप है वो इस तरह से जा रही है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कर्व है हमारी, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और कर्व को कहां मीट करेगी कि अगर कर्व इंफिनिटी की तरफ चलती जा रही है, कर्व इंफिनिटी की तरफ चलती जा रही है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो ये पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी वाई एक्सिस के, तो दिस इज असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ऊपर जो हमने एग्जांपल दिया असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो किस तरह की लेके आते इक्वेशन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन किस तरह से होगी। ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज डिस्टेंस ए, ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द डिस्टेंस, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो इट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रही है, हाइट सेम है, तो दिस मींस वाई कोऑर्डिनेट तो इस लाइन के ऊपर हमेशा ही क्या रहेगा, ए रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज होते रहेंगे, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस तरह की इक्वेशन होती है, वाई इज इक्वल टू ए, तो अगर वाई इज इक्वल टू वन है तो वाई इज इक्वल टू वन आ जाएगा कि वन डिस्टेंस पर, इसी तरह से y इक्वल टू टू हमारे पास है तो y इक्वल टू टू डिस्टेंस पर, y इक्वल टू थ्री है तो थोड़ी सी ऊपर और लाइन चल जाएगी, माइनस वन है तो यहाँ लाइन आ जाएगी, दिस इज द y इक्वल टू माइनस वन लाइन, दिस इज y इक्वल टू माइनस टू लाइन, इन्फिनिटी तक जाती हुई, तो ये स्ट्रेट लाइन्स है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सपोज ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो दिस इज सपोज पॉइंट बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से इसका कितना है, बी के ऊपर, बी के इक्वल, अब कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर चेक करो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रहने वाला, हाइट चेंज चेंज होती जा रही है, तो इट मींस एक्स इज इक्वल टू बी लाइन है, दिस इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन किस तरह से होगी, वाई इज इक्वल टू ए, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो एक्स इज इक्वल टू बी, ऑब्लिक जो स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखे चलती है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जब इस तरह के सिम्प्टोट्स आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट या वर्टिकल सिम्प्टोट, जब इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसमें ए बी जीरो नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, ऑब्लिक सिम्प्टोट। अब निकालना कैसे है तीनों सिम्प्टोट्स को, हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट्स को कैसे निकाला जाएगा, वर्टिकल सिम्प्टोट्स को कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट्स की बात करते हैं, उसको किस तरह से निकाला जाएगा। हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट मींस कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो व्हेन जब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की बात कर रही है, देखिए हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वाई इज इक्वल टू ए टाइप का असिम्प्टोट, ए की वैल्यू क्या होगी, कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी हमारे पास, कर्व की इक्वेशन इनके एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन दे रखी है, कर्व की इक्वेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या y is equal to fx, ये भी curve की equation दे सकती है, जैसे y is equal to x square parabola है, y is equal to 1 by x hyperbola है, तो ये सारी curve की equations है।
यहाँ पर अगर हम x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो ले लें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो फंक्शन x y का कोई भी जीरो के इक्वल या कांस्टेंट के इक्वल तो वो कर्व की इक्वेशन है. स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो एक कर्व बताया था. बट हमने अभी कहा क्या आएगा, असिम्प्टोट्स किसके एग्जिस्ट करते, इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व की एग्जिस्ट करते. तो पैराबोला इनफाइनाइट ब्रांच है हमारी और हाइपरबोला भी इनफाइनाइट ब्रांच है. तो अभी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स निकालना कैसे है, दैट मींस y इज इक्वल टू a टाइप का असिम्प्टोट्स आएगा, a की वैल्यू कैसे निकालनी है. तो वो जब भी कर्व की इक्वेशन दे रहोगी, व्हेन x मूव्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी. तो कर्व की इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि x को इंफिनिटी अप्रोच करवाया जाए या x को माइनस इंफिनिटी अप्रोच करवाया जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी. व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी and extends or extends to minus infinity, the curve approaches to, curve हमारे पास y is equal to fx वाली, the curve approaches some constant value, इनकी curve का मतलब y, some constant value a, कि जब x को infinity रखोगे y को या x को minus infinity रखोगे तो y की जो value आ जाए कि y tends to a हो जाए, then y की वैल्यू जो आएगी y इज इक्वल टू a इज हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट. फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया हाइपरबोला का, y इज इक्वल टू 1 बाय x का, y इज इक्वल टू 1 बाय x है हमारे पास. व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हम x को इंफिनिटी अप्रोच करवाए तो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, देन y टेंड्स टू जीरो. x को जब इन्फिनिटी करवाओगे, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी भी करवाओगे तब भी y जीरो है. इट मींस y इज इक्वल टू जीरो लाइन, तो a का काम जीरो कर रहा है हमारा. y इज इक्वल टू जीरो इज असिम्प्टोट. सबसे क्लीन एग्जाम्पल हमारे पास. तो y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाकर या फिर x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाकर. अगर दोनों ही x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाने पर कुछ डिफरेंट वैल्यू y के आ रही है, कुछ x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाने पर y के डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो दो असिम्प्टोट्स आ जाएंगे पैरेलल हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट. सेम हमारे वर्टिकल असिम्प्टोट्स. वर्टिकल असिम्प्टोट्स में क्या होगा, उसको कैसे निकालना है हमने. वर्टिकल असिम्प्टोट्स का मतलब ही कि हमारे पास असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू बी टाइप का असिम्प्टोट्स, तो b की वैल्यू निकालनी है. बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली x को इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाकर. इट मींस हमने अब x की वैल्यू निकालनी है, x निकाल के दिखाना है कब किसके बराबर आएगा, जब y इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करे. व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू सम नंबर, सम कॉन्स्टेंट नंबर, एंड देन कॉन्स्टेंट नंबर अगर हम बी है तो एक्स इज इक्वल टू बी जो होगा वो वर्टिकल असिम्प्टोट हो जाएगा. इसी क्वेश्चन में जहां हमारा एफ एक्स की वैल्यू 1 बाय एक्स थी, इनकी वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स था, तो वाई अगर 1 बाय एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय वाई. एक्स की वैल्यू 1 बाय वाई, तो अगर हम वाई को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो एक्स किसको टेंड करेगा, जीरो को. वाई को माइनस इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को. तो एक असिम्प्टोट आ रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो असिम्प्टोट. तो ये जो हाइपरबोला की हमारे पास ग्राफ बना था तो मैं दिखा भी था कि दो असिम्प्टोट आ रहे, एक्स एक्सिस भी असिम्प्टोट आ रही है और वाई एक्सिस भी असिम्प्टोट आ रही है. सो इस तरह का हमारे पास शेप आती है हाइपरबोला की. तो एक्स एक्सिस के साथ साथ भी मूव करता है और वाई एक्सिस के साथ साथ भी मूव करता है. तो ये x एक्सिस भी कर्व के साथ साथ पैरेलल मूव कर रही है, y एक्सिस भी एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ भी चले जाएं या y को भी, दोनों ही x माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करवाएं, x इन्फिनिटी का अप्रोच करवाएं, y पॉजिटिव इन्फिनिटी का अप्रोच करवाएं, y माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करवाएं. तो y अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमारे पास, और y अगर x की वैल्यू जीरो आ रही है, x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y की वैल्यू जीरो आ रही है, तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही हमारे पास असिम्प्टोट आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो अब हम फिलहाल क्वेश्चन उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो हमारे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स या वर्टिकल असिम्प्टोट्स मिलेंगे. इनके x इज इक्वल टू b निकालना या y इज इक्वल टू a निकालना, तो x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाना और y की वैल्यू कैलकुलेट करना, x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाना y की वैल्यू कैलकुलेट करना, सेम y को इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवा के x की वैल्यू को कैलकुलेट करना. तो हमारे पास क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं.
ये हमारे पास कर दे रखे, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू